नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है ट्रायंगल क्लासेस में। तो सबसे पहले तो अब मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने पार्ट वन का जो मेरा वीडियो था 2011 का ही जनगणना का, बहुत पसंद किया। बहुतों ने कमेंट भी किया, पर्सनल एसएमएस भी किए, तो इसलिए शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। ठीक है, ये देखो अभी हमारे चैनल की शुरुआत है और कोई फालतू की चीज़ें हम इस पर नहीं डाल रहे हैं, ये आपके काम की चीज़ें हैं। देखो चैनल तो कोई भी खोल सकता है ना, कोई भी एजुकेशन का चैनल खोल सकता है, लेकिन यदि वहाँ पर टीचिंग अच्छी नहीं हो रही है, यानी कि आपको क्लासेस सही अवेलेबल नहीं हो रही है, तो आप उस वीडियो को देखोगे क्या? नहीं देखोगे। आप उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे क्या? नहीं करोगे। तो यदि हम दे रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करोगे और व्यूज़ करोगे, है ना। तो 2011 की जनगणना में सभी ने मेरी ट्रिक को अपनाया, ठीक है। और मैंने आपको चैलेंज भी दिया था कि मेरा चैलेंज है कि इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपकी 2011 की जनगणना कंप्लीट हो जाएगी, इस कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा ऐसा, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत डीप में पूछा जो इसमें मैं आपको नहीं बता पाया, वो हो सकता है। लेकिन जैसे कि देखो अभी रीट का एग्ज़ाम बाकी है और पटवारी का बाकी है ना। पटवारी का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो डीपली पूछता है ना, क्योंकि उसके अंदर जो विषय होते हैं वो पहले से पढ़े हुए हम पढ़ते आ रहे पहले से, ठीक है। तो उसकी गहन जानकारी सभी को होनी ही चाहिए, तो इसलिए उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े डीप पूछे जाते हैं। लेकिन जो रीट होती है, रीट के अंदर देखो जैसे साइको वगैरह जो टॉपिक है ना, अब ये टॉपिक तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ नहीं रहे हैं, है ना। ये तो हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ी, तो इसलिए उसके कुछ जो क्वेश्चन होते हैं रीट के वो डीपली नहीं होते, है ना। तो जैसे कि अब इसमें डीप क्वेश्चन कैसे होते हैं और ऊपरी ऊपरी कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको सर्वाधिक और न्यूनतम का कोई भी पहला जिला ही पूछ लिया, उसे कहते हैं हम सिंपल क्वेश्चन। और टफ क्वेश्चन किसे कहते हैं? यदि सर्वाधिक के अंदर ही तीसरा जिला पूछ लिया तो उसे कहते हैं टफ, या तीनों जिलों का क्रम पूछ लिया तो कठिन हो सकता है ना। आंकड़े पूछ लिए यदि तीसरे जिले गए तो आपको कठिन हो सकता है। अब ये जो पार्ट है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये कठिन उन लोगों के लिए जिन्होंने पार्ट वन को सही तरीके से नहीं देखा। इसको सही तरीके से देखना दोस्तों। और हाँ, जो नए यूजर्स हैं जो अभी देख रहे हैं ये फिलहाल पार्ट टू का वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पार्ट वन का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि प्लीज इस वीडियो को ना देखें, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे और कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपकी भ्रांति कुछ ऐसी हो जाएगी कि कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ये समझ नहीं आ रहा ऐसा हो जाएगा आपको दिमाग में। तो पहले आप पार्ट वन देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि ये क्या है, ये लाइनें क्या कह रही हैं, क्या करना है इससे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़े क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरे को वो आवाज़ सुनाई तो देगी नहीं आपकी, लेकिन मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको, जो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन उसके बीच में बताए थे कि आपको आते हैं कि नहीं आते, तो ये देखता हूँ मैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना जो राजस्थान की थी वो कब की गई थी, ये क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना थी वो कब की गई थी? तो मैंने बताया था 1 मार्च 2011 से 30 मार्च 2011, इस एक महीने के अंतराल में क्या हुआ था, जनगणना हुई थी, ठीक है, 1 मार्च से 30 मार्च, ठीक है, और 2011 में ही। और क्वेश्चन क्या था कि 2011 की जनगणना के जो अंतिम आंकड़े थे वो कब दिए गए, किसी को आ रहा है क्या? तो उसके अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को दिए गए, 2 साल बाद, ठीक है, क्योंकि उसके आंकड़ों को व्यवस्थित करना पड़ता है ना, तो इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि राजस्थान की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये बताओ, विश्व की जनसंख्या जो है उसका कितना प्रतिशत है वो राजस्थान की जनसंख्या है? तो उसका आंसर है 1%, ठीक है। और मैंने पूछा था, बताया था आपको, हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और चीन इन दोनों का जनसंख्या का जो अंतर था वो कितना था? तो यदि आप 13 करोड़ सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, है ना। भारत और चीन का जो जनसंख्या का अंतर है वो 13 करोड़ था 2011 में, और 2001 की जनगणना में कितना था, 23 करोड़,
तो अभी कम होता जा रहा है, है ना अंतर। तो मैंने बताया था कि 2022-2023 के अंदर हम ये चीन से हम भारत आगे निकल जाएगा जनसंख्या के मामले में, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, चलो और क्वेश्चन जो है बीच बीच में आते रहेंगे, ठीक है। हम शुरू करते हैं, अभी ट्रिक कैसे काम करेगी तो पहले तो वो देख लेते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, पहला पहला जिला सभी का जो है वो लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो जैसे कि पूछ लिया कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसमें क्या आया, क्या पूछा गया, एक तो सर्वाधिक और क्या पूछा है, जनसंख्या। अब आपको क्या सोचना है, जनसंख्या कौन से नंबर पे है इस ट्रिक में। तो जनसंख्या है वो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा वो सोचना पड़ेगा। पहली लाइन, जनता के लिए घर की वृद्धि सही है, इसमें जनता फर्स्ट में आ रहा है, जनता का ज से क्या निकला था, जनसंख्या। तो जनसंख्या एक नंबर पर था, तो उसी अनुसार इन दो लाइनों में सर्वाधिक वाला पूछा मैंने, तो सर्वाधिक वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है। इस सर्वाधिक में पहले नंबर पर कौन है, जय, तो इस जय से क्या निकला, जयपुर। इस तरह से आपको करना है, वो आप दो पार्ट वन में देखेंगे तो समझ में आएगा, और वो भी पूरा वीडियो देखोगे तो, है ना। चलो जनसंख्या के अंदर क्या आ गया, जयपुर, ठीक है। उसी प्रकार सर्वाधिक में लिंगानुपात तो दूसरे नंबर पर है, डूंगरपुर। तीसरे नंबर पर कौन है, घनत्व, घनत्व के अंदर तीसरे नंबर पर कौन है, जय, जैसे जयपुर। चौथे नंबर पर बापू से बाघ से क्या बना, बाड़मेर। चौथे नंबर पर कौन है, वृद्धिदर, बाड़मेर। और पांचवे नंबर पर को है, को से क्या बना था, कोटा। कोटा का साक्षरता क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। अब न्यूनतम, अब देखिए पहले तो देख लो ये जो दो एरो बनाए, इस दो एरो का मतलब क्या है, जैसे कि लिंगानुपात है, इसमें एक एरो ये है, एक एरो ये है, इसमें जो है वो सर्वाधिक वाले जिले हैं और इसमें वो न्यूनतम वाले जिले, ठीक है, सबसे कम और यहाँ सबसे अधिक। अब हमें न्यूनतम वाले लिखने जिले, सबसे नंबर ओपन कौन है, जय, जैसे जैसलमेर। मैं फटाफट लिखता हूँ क्योंकि आपको बता दिया इसलिए जल्दी कर देता हूँ, क्योंकि उसको आगे वाला बताना आपको, इसलिए जैसलमेर यहां पर हो जाएगा धौलपुर, धौलपुर के बाद जैसे जैसलमेर, जैसलमेर के बाद गंगा से गंगानगर, और गंगानगर के बाद जी से क्या है, जालोर। ठीक है, ये तो हो गए, मैंने बताया था कि जो सिंपल क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले की है, जयपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है, डूंगरपुर, ठीक है, इस तरह से। और न्यूनतम पूछा तो इस तरफ वाले, अब वो कैसे बनेंगे, तो इन दो लाइनों से बनेंगे। अब अगर आपको पूछ लिया कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा जिला कौन सा है, तब चलो दूसरा जिला तो चलो आपको कहीं से पता चल गया या आपने अंदाजा लगा लिया, पूछ लिया जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला तीसरा जिला कौन सा है, तो बत्तीगुल। तो पहला जिला आधो को याद नहीं रहता, तो तीसरा जिला याद करना मतलब है ना कठिन है, तो ये तभी याद रहेगा जब मैं जो आगे वाली ट्रिक बता रहा हूँ सर्वाधिक और न्यूनतम की, वो याद रहेगी। तो अब सर्वाधिक और न्यूनतम की आगे वाले ट्रिक, यानी कि और मैं यहाँ पर लाइनें लिखने वाला हूँ, अब वो लाइनें कैसे याद रहेंगी, आधे सोच रहे होंगे ये दो लाइनें हमको याद हो जाएंगी, लेकिन दो लाइनों के बाद अभी ये लाइनें और याद करनी वो कैसे। तो देखो ये लाइनें आपको कैसे याद होंगी वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि क्या करना है, जनसंख्या वाला मैंने पूछा, जब जनसंख्या में क्या लिखना, आपको तीन जिले लिखने, तो जनसंख्या में देखो सबसे पहले क्या था, जयपुर कहाँ से निकला था, जैसे निकला था। यदि जनसंख्या एक नंबर पर है तो जनसंख्या में इस एक नंबर वाले जो जय है उस जय को लिखना आपको पहली लाइन में, यानी कि आपको यहाँ लिख सर्वाधिक में पूछा, सर्वाधिक में मैंने एक नंबर रखा और इस जय को यहाँ रखा और इस जय से मैंने लाइन बनाई, जय जोधपुर आया,
जय जोधपुर आया, ठीक है, जय जोधपुर आया, ये मैंने लाइन लिखी। ये लाइन कैसे बनी? इस जय से निकला, वो इस जय से वो लाइन निकली है। अब इस जय से देखो, आपको पहले इस एक में फटाफट बता देता हूँ। जैसे जय है, जय से क्या बनाता है? जयपुर, जोधपुर से जोधपुर ही रहेगा। और आया, आया में आ से क्या बनेगा? अलवर। इस तरह से आपको तीन जिले निकालने हैं, ठीक है। इसी तरह सबकी लाइनें हैं, वो लाइनें आपको याद कैसे हो जाएंगी? तो ये दो लाइनें रहेंगी, इन दोनों लाइनों में जो पहले पहले शब्द है ना, जो ये शब्द जो है, इन शब्दों से मैं लाइन बना रहा हूं ताकि आपको याद आ जाएगा। जैसे कि दूसरा, दूसरे नंबर पर कौन है? डूंगर। डूंगर से क्या बनेगा? तो यहां देखो, डूंगर राजा पापा बना, डूंगर राजा पापा बना। डूंगर, डूंगर से क्या आया था? यहां पर डूंगरपुर आया था, तो डूंगर के बाद क्या है? राजा। राजा के रा से क्या निकलेगा? राजसमंद। ठीक है, सिंपल है। राजसमंद के बाद क्या है? पा से पाली। अब देखो दोस्तों, जो मैं जिले लिख रहा हूं, ठीक है, और मैं यहां लाइन लिख रहा हूं, तो पहले लाइन लिख रहा हूं, तो मैं जब जिले लिखूंगा ना, तो पहले उस लाइन से, उस शब्द से, उस अक्षर से आप ही जिला निकालने की कोशिश करो कि कौन सा जिला मैं यहाँ पे रखने वाला हूं। वो तो अंदाजा लगा सकते हो आप, तो वो आप लगाइए, ठीक है। जैसे कि तीसरी लाइन, अब क्या बनेगी तीसरी लाइन पे? कौन है? जय है। इस जय को वापस उठा के यहां रखो। जय, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब जय, अब यहां जय से दो लाइनें, तो पहली लाइन से तो क्या बना? जय जोधपुर आया। अब यहां दूसरे में, तीसरे में बनेगा जय भागा दौड़ा। जय भागा दौड़ा, हमको तीन जिले बनाने। अब यहां पर डूंगर राजा पापा बना, चार शब्द थे, अपन को पापा तक तीन जिले मिल गए, तो चौथा बना को छोड़ दिया। अब जय भागा दौड़ा, इससे तीन जिले निकलेंगे। मैं लिखते जा रहा हूं, आप सोचना कौन सा जिला उससे निकलने वाला है। जैसे क्या निकला था? जयपुर। भा, भ से क्या निकलेगा? भरतपुर। आगे सोचो, दोसा, दोड़ा से क्या निकलेगा? दोसा। चलो बोल दिया, दोसा निकल गया। चौथा, चौथे नंबर पर कौन है? बापू। तो बापू से क्या बनेगा? बापू जैसी जनता, ठीक है, बापू जैसी जनता। अब देखो, ये पांच लाइनें जो लिख रहा हूं मैं, ये पांच लाइन आपको याद कैसे करनी है वो भी बता रहा हूं। पहले अभी चौथी लाइन में जो जिले निकल रहे हैं वो निकाल लेते हैं, लिख देते हैं। बापू में बा से क्या निकला था? यहाँ देखो, बाड़मेर। जय से क्या निकलेगा? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद क्या है? जनता। जनता के ज से क्या निकलेगा? जयपुर। ठीक है, पांचवा, पांचवा शब्द कौन सा है सर्वाधिक में? को। को से क्या निकलेगा? तो देखो यहां पर, कौन है जय झूठा? कौन है जय झूठा? पहले हम जिले लिख देते, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं। को से क्या निकला था? कोटा। है को साइलेंट। जय, जय से क्या निकलेगा? जैसे तो जयपुर ही निकलेगा। और झूठा, जू से झुझनू, झू झनू हो गया। अब देखो कैसे इन पांच लाइनों को क्या करना, आपको कड़ी से कड़ी मिलाकर एक कहानी के टाइप बना दो इसको, तो आपको याद रहेगा। कहानी की तरह कैसे? जैसे कि जय जोधपुर आया। अब जय जोधपुर आया, कहाँ आया, क्यों आया? तो डूंगर राजा पापा बना। अब डूंगर राजा जो था वहां पर, जैसे कि वहां डूंगरपुर में, सॉरी जोधपुर में, जो डूंगर करके कोई आदमी है, जो राजा है,
वो क्या बना, पापा बना। अब पापा बना तो क्या हुआ, जय वहां आया था तो जय उस खुशी में क्या हुआ, जय भागा दौड़ा। अब जय भागा दौड़ा तो जोधपुर की जनता कैसी है, बापू जैसी जनता है। अब बापू जैसी जो जनता थी जोधपुर की, उसने क्या बोला जय को देखकर। अब जय भागा दौड़ा तो जय को देख रहे थे सारी जनता, तो क्या बोली जनता, ये कौन है जय झूठा, कौन है जय झूठा। इस तरह से आप, मैं बना रहा हूँ कहानी, आपको सही नहीं लगे तो आप अपनी कहानी बना दो। कैसे, जय जोधपुर आया, डूंगर राजा पापा बना, तो उस खुशी में क्या हुआ, जय भागा दौड़ा। फिर वहां की जो जनता थी वो कैसी थी, बापू जैसी जनता थी, तो उन्होंने क्या पूछा, कौन है जय झूठा। बस इस तरह से लाइनें कैसे याद रहेंगी आपको। अब जैसे कि समझ लो आप, यहाँ से डूंगर शब्द निकलेगा तो डूंगर से आपको तुरंत याद नहीं आ जाएगा कि डूंगर शब्द से क्या बन रहा था, क्या लाइन बन रही थी, तो आपको तुरंत सोचना पड़ेगा, तो तुरंत याद आ जाएगा डूंगर राजा पापा बना ये लाइन थी, और उनसे सारे जिले निकल जाएंगे। ठीक है, अब न्यूनतम वाले जिले, पहला पहला शब्द क्या है, जय, जय से निकलेगा जय प्रताप सिंह, जय प्रताप सिंह। जय से क्या निकला था, जैसलमेर। प्रताप से प्रतापगढ़, और सिंह, सी से क्या निकलेगा, सिरोही। अब धोरा, धोरा में धो से क्या निकलेगा, धोस जमाओ भारत काका, धोस जमाओ भरत काका। सेल्फ ट्रिक बनाई है मैंने, ये थोड़ी देसी टाइप है लेकिन आपको याद हो जाएगी। ठीक है, जो मुझे ऐसा लगा कि सिंपल है वैसी बनाइए। ठीक है, तो तीसरा, अब पहला तो ये लिखा था, दो से क्या निकला था, धौलपुर जमा, जो से क्या निकलेगा, जयपुर। भरत से भरतपुर हो गया। अब तीसरे नंबर पर क्या है, जय है, एक जय से क्या निकला था, जय प्रताप सिंह। अगले जय से निकलेगा जय बीका बाई, जय बीका बाई। जैसे जैसे मैं निकल गया, बीका से क्या बनेगा, कौन सा जिला, बीका नेर, बीकानेर। और बाई के बाद से क्या निकलेगा, बाड़मेर। ठीक है, अब चौथे नंबर पे कौन है, गंगा। अब गंगा क्या है, गंगा एक नदी है ना, गंगा नदी में क्या होता है, पानी होता है। गंगा झूमे पानी, गंगा झूमे पानी में, गंगा से गंगानगर, झू से झूमे में, झू से झुझू, और पानी में पास है पानी। हो गया लास्ट लाइन, जी, जी से क्या निकला था, जालौर। जालौर को ही जगह दो, और क्या बनेगा यहाँ पर, जालौर का सिंह प्रताप। जालौर का सिंह कौन है, प्रताप है। पहली लाइन प्रताप से शुरू हुई, अंतिम लाइन प्रताप पे खत्म। जय प्रताप सिंह, दो जमाओ भरत काका, जय बीका बाई, गंगा जी में पानी में, और जालौर का सिंह प्रताप है। कोई भी कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश करो, इसको कहानी के टाइप बनाओ। ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी, अगर इन लाइनों को अगर आपने 10 बार 15 बार बोल दिया तो आपको, जैसे कि यहाँ से दोहरा निकलेगा, दोहरा में दो अगर निकला तो दो से आपको तुरंत याद आ जाएगा, धोस जमाओ भरत काका, ये लाइन थी। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल यूनिक है, आपको याद आ जाएंगी अगर आपने 15-20 बार इसको बोलने की प्रैक्टिस की तब, है ना। हो गया, अब जालौर से क्या निकला था, जालौर का कुछ नहीं होगा, सी, सी से सिरोही, और प्रताप से प्रतापगढ़। हो गया, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है इन जिलों को निकालना। ठीक है, लेकिन जिले के नाम याद होने चाहिए, तो अब जिले के नाम तो याद होने ही चाहिए, फिर राजस्थान में रह क्यों रहे हो भाई। ठीक है।
अब हमें क्या करना है, ये झीलें तो आपको याद हो जाएंगे, लाइनें याद हो जाएंगी, आंकड़े जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं शायद आपको लगेंगी कि कठिन होंगी, लेकिन कठिन नहीं है। मैं जैसे आंकड़े लिखूंगा यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कितने सिंपल आंकड़े हैं इसके, कितनी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे अभी मैं लिखता हूँ। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 686। विश्व की जनसंख्या कितनी है, 7 अरब। भारत की जनसंख्या 1.21 अरब और राजस्थान की 6,86,00,000। और विश्व की 1% जनसंख्या, तो विश्व की जनसंख्या 7 अरब है, तो राजस्थान की कितनी हुई, 7 अरब का 1%, यानी कि 7 करोड़। तो समथिंग 686 लिख दिया, तो 686 आपको याद रखना है। अब 686 के बाद इन जिलों के आंकड़े लिखने, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर है। और जयपुर की जनसंख्या कितनी होगी आपको लिखना है, क्या लिखना है, 66,00,000। अब देखो आंकड़े कैसे याद होंगे आपको, 66,00,000 जोधपुर की, 36.8 लाख और यहाँ पर 36.7। देखो सबसे ज्यादा 66,00,000 है, 66,00,000 के बाद डायरेक्ट 36 पे आ जाओ, 36.8 और फिर 36.7, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ये डिफरेंस है थोड़ा, लेकिन यहाँ पर 66,00,000, 36.8, 36.7। जैसलमेर की सबसे कम जनसंख्या, जिला बहुत बड़ा है जैसलमेर, लेकिन जनसंख्या क्या है, कम है। अब मैंने आपको बताया था जनसंख्या ज़्यादा क्यों होगी या कम क्यों होगी, उसका कारण क्या होता है, एक तो शिक्षा, ठीक है, जहाँ पर शिक्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या कम होगी। अब यहाँ पर जैसलमेर में पहली बात सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इसका कारण हो सकता है और क्या हो सकता है, मौसम, जैसे कि जहाँ पर ना गर्मी होगी ना ठंड होगी, है ना, नॉर्मल जो तापमान रहता है वहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है। उद्योग धंधे जहाँ ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर बढ़ती है, जहाँ नदियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती है। अब जैसलमेर में देखो क्या होता है, रेगिस्तान है, गर्मी ज़्यादा है और वहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर ये समझ लो नदियों पानी का कमी है, है ना, तो वहाँ पर जनसंख्या क्या है, कम है, इसलिए जैसलमेर नंबर 1 पर है न्यूनतम में। तो उसकी जनसंख्या कितनी होगी, उसकी है 6.7 लाख। अब इस पर अंतर देना कितना कम अंतर, 6.7 लाख, अब नीचे क्या होगी, बढ़ेगी ना, तो यहाँ पर प्रतापगढ़ की कितनी हो गई उसके बाद 8.6 लाख और सिरोही की 10.1 लाख, ठीक है, 66,00,000, 36.8, 36.7। इधर सबसे कम कितनी है, जैसलमेर की कितनी है, 6.8, छोड़ी 6.7, फिर 6.7, फिर 8.6 और फिर 10.1, ठीक है। देखो 6, 7, 8, फिर वापस 6 और फिर 10.1। अब लिंगानुपात मैंने समझाया था, लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर कितने स्त्रियां हैं वो। अब राजस्थान का जो एवरेज है वो है 928, यानी कि राजस्थान में 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, 2011 के अनुसार 928 स्त्रियां। अब हम सबसे ज़्यादा कौन सा है, डूंगरपुर है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वहाँ पर है। अब कितना है, अब इसके अगर बहुत ही सिंपल याद होने के, जैसे आपको याद रखना 900 याद रखना है, 928 है यहाँ पर भी 900 है, 900 याद रखना, देखो 994 लिखा, इसमें फिर 4 कम करो 990, फिर 3 कम करो 97, 94, 990, 97, 94, 90, 97, 94, 90, 97। अब कम में सबसे 800 से शुरू होगा, 846, 852, 861, 46, 52, 61, 46, 52, 61। इधर 900 का आंकड़ा, इधर 800 का आंकड़ा, 900 वाला उसमें 94, 90, 87 और यहाँ पर 46, 52, 61। अब घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति, वहाँ का एवरेज कितना है, 200 व्यक्ति। अब सर्वाधिक कहाँ पर है, जयपुर में, कितना होगा तो लिखते हैं 500 से, इसमें 500 याद रखना आपको, 500 95, 500 3 और यहाँ पर 476, 500 95, 500 3, 476, 500 95, 500 3, 476। कम वाले में तो सबसे कम है जैसलमेर में, कितनी, कितना घनत्व, यानी कि सोचने वाली बात है, जैसलमेर में भले वो इतना बड़ा जिला है फिर भी
जैसलमेर में प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति ही मिलते हैं, सिर्फ 17 व्यक्ति, 17 अठहत्तर बानो। अब वृद्धि दर, वृद्धि दर यानी कि जो जनसंख्या कितने प्रतिशत में हर 10 साल में बढ़ रही है वो उसका वृद्धि दर होगा। वृद्धि दर कितनी है? 21.3%। एक गलती हो गई थी मेरे को पार्ट वन में, मैंने प्रतिशत निकाला था, जैसे कि किसी गांव की जनसंख्या समझ लो 2000 है और अगले साल उसकी जनसंख्या हो गई 2500, कितनी बड़ी 500, तो उसका प्रतिशत कैसे निकालते है? तो मैंने क्या किया था, उसका प्रतिशत निकाला था लेकिन 2000 में जीरो लगाना भूल गया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 500 जनसंख्या बढ़ी है तो 500 लिखा ऊपर, नीचे 2000 इंटू 100, ऐसे प्रतिशत निकलता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 एकम 2 25, तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी अगले साल? 25%। तो ये गलती हुई थी, ठीक है, इसको मैंने सही कर दिया। अब 21.3% वृद्धि हुई, अब वहां पर संख्या लिखते हैं, अब इसके आंकड़े कैसे याद होंगे? तो देखो 32 से शुरू करना है, 32.5%, अब यहां पर 31.8% और यहाँ 27.6%, 32.5, 31.8, 27.6, ठीक है, याद करने जैसे याद हो जाएंगे आपको। अब यहाँ पर सबसे कम कितनी है, तो सबसे कम है 10%, यहाँ पर 11.8%, 11.9%, 10%, फिर 11, फिर 11 है, लेकिन 11.8 है और 11.9 है। अब साक्षरता, साक्षरता यानी कि अपने राजस्थान में 66% जनसंख्या ऐसी है जो शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, बाकी नहीं है, है ना। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? कोटा में, ठीक है। अब कोटा में है कितनी है, तो इसकी संख्या कहाँ से याद रखनी है आपको? 76। देखो इसकी तो बहुत ही सरल है, कैसे याद होगी? 76, 75, 76, 75, 76। अब पॉइंट लगाना है, तो अगर पॉइंट में याद रखना है तो 76.6, 75.5 और 76.1, 76, 75, 76, उसकी उल्टी गिनती लिखनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर 54 से याद रखना है, 54, 55, 56, 54.9, 55.3, 56.6, ये हो गए आंकड़े याद, ठीक है, ये आंकड़े आपको याद हो जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मेरे को जैसे याद हो गए, मेरे को कैसे याद हुए होंगे? देखो दिमाग सभी का अलग अलग होता है, मैं इस बात को नहीं मानता, ठीक है। बात क्या है, यदि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और अगर आप आपका ध्यान या आपके हाथों में कोई दूसरी चीज है ना, तो आपका आधा ध्यान उसमें चला जाता है, उसमें ही रहता है, ठीक है। अब आधा ध्यान उसमें रहेगा तो आप जो क्लास में जो पढ़ रहे हो आप उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। अगर आपने बिल्कुल आप स्थिर हो और अगर आपका ध्यान पूरा बोर्ड पर है तो ये मेरी गारंटी है कि आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो किसी का दिमाग कमज़ोर या ज़्यादा, ये मैं ज़्यादातर नहीं मानता हूँ, मैं सब यही मानता हूँ कि जिसका ध्यान लगता है उसे याद हो जाता है, जिसका ध्यान नहीं लगता उसे नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी मनोवृत्ति बन जाती है कि मैं कमज़ोर हूँ और फिर वो उसका ध्यान वैसे ही नहीं लगता फिर, ठीक है। और जिसका जिसको एक बार हो गया कि मेरे को समझ में आ गया, तो उसकी उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, और उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो अगली क्लास में क्या है वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि शायद मेरे को अब समझ में आ रहा है तो अब और आगे समझ में आएगा। तो ये बात है, ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। अब अगर आप वीडियो भी देख रहे हो, अगर आप वीडियो देखते हो, अगर कुछ काम कर रहे हो और वीडियो स्किप कर रहे हो, तो आपका ध्यान फिर उसी बात पर होगा कि वीडियो कब ख़त्म होगा। अगर आपको वाकई में इसको कंप्लीट करना है तो ये 30 मिनट का वीडियो वो था, हो सकता है ये 30 मिनट का वीडियो हो, तो 30-30 यानी कि 1 घंटा आपको, अगर आपने इन वीडियो को दे दिया तो आपको 2011 की जनगणना याद हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि 2011 की जनगणना जो सबसे टफ टॉपिक है और इसके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और बनते ही हैं। हो गया।
अब देखो साक्षरता में भी एक चीज है, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, ठीक है। चलो इसका कुछ ज्यादा डीपली नहीं है, लेकिन अपन लिख देते हैं यहाँ पुरुष महिला। पुरुष साक्षरता कौन से जिले में सर्वाधिक है? तो पुरुष साक्षरता अगर आपको देखना हो तो कोटा, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, ठीक है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। और महिला सॉरी न्यूनतम कहाँ पर है? न्यूनतम है प्रतापगढ़, ठीक है। और दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा, दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा, तीसरे नंबर पर सिरोही। अब महिला साक्षरता में ये इधर भी है, ठीक है, ये यहाँ पर भी लिखना है। और न्यूनतम में खाली आंकड़े बदलेंगे, न्यूनतम में यहाँ पर आ जाएगा जालौर, और यहाँ आ जाएगा जैसलमेर, और यहाँ पर सिरो का सिरो, ठीक है, ठीक है। ये पुरुष साक्षरता, ये महिला साक्षरता। अब इसमें आपके और कौन सी चीज रह गई है वो देखने दो मुझे, ठीक है, हो गया है। तो एक चीज और, जनसंख्या के मामले में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है ये बताओ, किसी को पता है क्या? तो भारत में राजस्थान का जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है? सातवां स्थान, ठीक है, सातवां स्थान है। तो अगर सातवां स्थान अपना राजस्थान का क्यों याद रखना है? क्योंकि अपने राजस्थान जिले के। और अगर भारत के मामले में पूछ लिया तो हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि पहले नंबर पर कौन है। तो पहले नंबर पर कौन है किसी को पता है? उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी। यूपी जो है वो नंबर वन पर है, वहां पर हर चीज उद्योग धंधे वगैरह सब कुछ ज्यादा है, तो वहां पर जनसंख्या भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो उसकी जनसंख्या कितनी है अपन को 19 पॉइंट समथिंग करोड़ है, 20 करोड़ याद रखो या 19 पॉइंट याद रखो, तो मैं लिख देता हूं 20 करोड़। अब यूपी की बात निकली है, तो यूपी की बात में एक और रोचक बात बताता हूँ, आपको नहीं पता होगी। देखो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, दूसरे नंबर पर हम हैं, फिर है अमेरिका, फिर है इंडोनेशिया है ना। तो ये जनसंख्या वाले, तो देखो यति और देश कितने हैं विश्व में? 200 से ज़्यादा देश हैं, 200 से भी ज़्यादा देश हैं विश्व में। तो यूपी की एक खासियत है कि अगर हम चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया, इन तीन देशों को छोड़ देना, तो बाकी जितने भी देश हैं वो उत्तर प्रदेश से नीचे हैं। उत्तर प्रदेश से क्या है, पीछे हैं जनसंख्या के मामले में, उत्तर प्रदेश उन सबसे आगे। समझ में आ गया आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर तीन देशों को छोड़ दे तो उन सबसे आगे है सारे देशों से। समझ में आया? और एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जो आपको मैंने पार्ट वन में शायद बताया है, कि जो विश्व का नक्शा है उसमें आपको देखना कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है विश्व की। तो विश्व की जितनी प्रतिशत जनसंख्या है उसकी 90% जनसंख्या वो है उत्तर गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में कितनी बची? 10%। ये भी याद करने का आंकड़ा है, ठीक है। और आपको क्या याद करने की ज़रूरत है, जैसे कि हाँ शहरी जनसंख्या जो है वो पहले आप गांव की याद रखो, जैसे गांव की जनसंख्या है वो प्रतिशत में समझ लो कि 2001 में 76% थी, 76 पॉइंट थी, 76 में बता रहा हूँ आपको या खाली याद करने के लिए, 76% थी। तो 2011 की जनगणना में वो कितनी हो गई? 75%, यानी कि 1% की गिरावट आई। और वो 1% गिरावट क्यों आई? तो वो जो 1% जो लोग थे वो कहाँ गए? उन्होंने पलायन कर दिया शहरों में। तो शहरों की जो प्रतिशत कितनी थी वहाँ पर प्रतिशत था 23%, तो वो बढ़कर कितना हो गया? 24%। अब वहाँ 1% घटा है तो यहाँ 1% बढ़ेगा,
तो शहर की जनसंख्या 1% क्या हुई, बढ़ोतरी हुई 2011 में, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े थे 2011 की जनगणना के, आप इतना याद कर लोगे तो बहुत काफ़ी है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, और अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू दोनों देखे हैं तो ही आपको फ़ायदा है, और फ़ायदा तब भी है जब इन दो लाइनों से आप ये बनाओगे और आपको तीन तीन जिले और उनके आंकड़े याद होंगे, तभी आपको इसको याद करने का फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन कम से कम जो सोचते हैं कि हमको याद नहीं होता ज़्यादा, तो कम से कम इन दो लाइनों से एक एक जिले तो निकालने की याद कोशिश करो, है ना। कम से कम वो तो याद हो जाएगा, कम से कम उसके कई क्वेश्चन बन गए तो आपको आ तो जाएंगे, है ना। क्योंकि पॉइंट पॉइंट में फ़र्क होता है, उससे कितने लोग रह जाते हैं सिलेक्शन से, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं खुद कोचिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोचिंग बंद है जिस वजह से मैं घर में बैठा हूँ। सभी लॉकडाउन में थे, तो अभी तो लॉकडाउन सब कंप्लीट खुल गया है। अब गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन गर्मी भी अभी कम हुई है ये बारिश के मौसम से। मौसम तो नहीं आया, लेकिन ये पानी गिरने से क्या हुआ, ठंडक बढ़ गई है सभी ज़िलों में, लगभग 40 डिग्री से नीचे हो गया है पारा। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपको पार्ट वन पार्ट टू से समझ में आया है, अगर मेरी ट्रिक अगर आप काम कर रही है आपके पीछे, है ना, और अगर आपको याद हुआ है, आपको लगता है, तो प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करें, और कमेंट में कम से कम हमारा उत्साह वर्धन करें कि बताएं कि वाकई में आपको याद हुआ है। और कम जो दिक्कत आ रही तो भी आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपने गलत लिखा या गलत किया है या गलत बताया आपने, ठीक है। तो मैं कमेंट में ज़रूर आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा, और आप रिकमेंड भी कीजिए हमको कि क्या चीज़ मैं लेकर आऊँ, या मतलब कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाऊँ अगला, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका आभार, और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं लोग, तो सब्सक्राइब कृपया करके ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करता हूँ, और राजस्थान की जनगणना यहाँ पर कंप्लीट होगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, नमस्ते।